हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक सोलर से चलने वाला बहुत ही अच्छा इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का जो ये हमारा इन्वर्टर है वो हम लूम सोलर के पैनल और उसके बैटरी से बनाएंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लूम सोलर भारत का सबसे बड़ा सोलर पैनल का ब्रांड है। तो ये हमारे पास उसका सोलर पैनल है जो कि 50 वाट का है। तो इसका साइज़ आप देख सकते हो, ये एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है जो कि 50 वाट आउटपुट देता है पावर। और इसका वोल्टेज रेटिंग आप देख सकते हैं, 22 वोल्ट देता है और 2 एम्पियर से ज़्यादा का ये करंट भी प्रोवाइड करेगा। तो देख सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का ये है और इसका जो बॉडी है काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ जो हम बैटरी यूज़ करने वाले हैं वो भी लूम सोलर का एक LiFePO4 बैटरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका बैकअप देता है, बहुत ही हल्का। और उसके साथ BMS भी है इस बैटरी में, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ये बैटरी। तो इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए दोस्तों, वो इन्वर्टर को बनाते हैं। तो इन्वर्टर को बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फ्रेम टाइप का बनाया है लकड़ी से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बेस का ले रहा हूँ प्लाई में, और सामने की तरफ हमारा होल्डर और स्विच लगाने के लिए, मतलब उसका जो सॉकेट और स्विच लगाने के लिए यहाँ पर मैंने कटआउट बनाया है पहले से ही। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन जो कंपोनेंट है इन्वर्टर का वो है इसका ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, मैंने इसको एक साउंड सिस्टम से निकाला था पुराना वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइंडिंग है, देख सकते हैं बहुत काफ़ी यहाँ पर वायर निकले हुए हैं। तो इन सब वायर को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा वायर हमारा काम का है। तो काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर था इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। और यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको लिखा भी होता है, तो यहाँ पर तो मेरा लिखा हुआ है कि कौन सा कलर का वायर कितना वोल्ट आउटपुट करता है और उसका वोल्टेज और करंट भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम ये वाला जो दो तार हैं वो आपका इसका प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें 220 वोल्ट होता है, और ये जो ब्लू ब्लैक और ब्लू है वो 12012 है। पीछे की तरफ से आप यहाँ पर 20 वोल्ट, 10 वोल्ट और 9 वोल्ट का लूप निकला हुआ है। अगर इसे चार्ज भी करना चाहते हो तो एक ट्रांसफार्मर से आपका ये चार्ज भी कर लेगा। पर दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम तो यहाँ पर सोलर पैनल से ही इसको चार्ज करेंगे या फिर डायरेक्ट चलाएंगे। तो देख सकते हैं, ये जो वायर है सबको यहाँ पर अच्छे से टेप से हम लपेट लेते हैं, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो इन्वर्टर बोर्ड यूज करने वाला हूँ वो 200 वाट का बोर्ड है। देख सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का बोर्ड है। हीट सिंक भी काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है इसमें। इसमें जो IC लगा हुआ है दोस्तों, ये PWM IC होता है जिसका नंबर होता है 3524। तो ये IC बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें फीडबैक सिस्टम भी रहता है। तो दोस्तों, ये बोर्ड आपको मिल जाएगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो इस बोर्ड का जो कनेक्शन होगा कैसे होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इस बोर्ड में हमें इसको फिक्स करना है जो हमने बॉडी बनाया था उसका बेस। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं उसको। तो उसका कनेक्शन कैसे है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पर देख सकते हैं ये जो पूरा प्लेट टाइप का दिख रहा है आपको, इसमें नेगेटिव का साइन बना हुआ है। तो ये उसका नेगेटिव होगा पूरा बोर्ड का, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ उसका पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अभी हम उसका जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो जो 12-12 होता है ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ पर हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर होल भी किया हुआ है उसने, और यहाँ पर हमें बोर्ड के साथ ही सोल्डर कर देंगे पीछे से। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बैटरी या फिर सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए दो रेड और ब्लैक कलर के वायर ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मोटा वायर लिया है क्योंकि यहाँ पर करंट ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें जो उसका कॉमन जो नेगेटिव है वहाँ पर हम दे देते हैं ब्लैक कलर का वायर। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव, प्लस का साइन बना हुआ है, ये वाला देख सकते हैं। तो इसी में हमें पूरा पॉजिटिव देना है। तो बैटरी या फिर सोलर पैनल कोई सा भी DC सोर्स का पॉजिटिव यहाँ पर हमारा लगेगा। तो इसमें रेड वायर को मैंने सोल्डर कर लिया है। अब यहाँ पर बचा है हमारा 12 और 12। तो ये जो 12 है पहला ब्लू कलर का वायर, उसको यहाँ पर हमें इसमें यहाँ पर सोल्डर करना है। तो हीट सिंक में भी कर सकते हैं, या फिर आप हीट सिंक का जो ट्रेस है नीचे वाला है वहाँ पर भी करेंगे। तो देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका कनेक्टेड है हीट सिंक से, तो यहाँ पर हमें उसको सोल्डर कर देना है। तो ये हमारा एक साइड का हो गया है। उसी तरह से दूसरे साइड का हीट सिंक का जो ट्रेस है नीचे की तरफ है ये वाला, यहाँ पर हमें सोल्डर कर देना है।
तो ये आपका हो गया है। अब हमें जो जीरो वाला ब्लैक वाला वायर है ट्रांसफार्मर का जीरो वाला वायर, उसको पॉजिटिव के साथ कॉमन कर देना है। तो ये हमारा कनेक्शन तो हो गया है, अब हमें इसको जो बेस है उसके साथ सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है, अब मैं इसमें जो सॉकेट और उसका जो स्विच है वो लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सॉकेट टाइट कर देता हूँ जो हमने कटिंग किया था, और यहाँ पर ये SPST स्विच को लगा देता हूँ जिससे कि ऑन ऑफ हम कर सकें इसको। तो ये हमारा हो गया है, अब हमें जो सॉकेट के साथ उसका 220 का इन्वर्टर का लाइन है वो लगा लेते हैं। तो ये वाला जो प्राइमरी वाला साइड था उसी से 220 वोल्ट निकलेगा हमें, तो ये हम डायरेक्ट स्विच से होते हुए सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, तो मैंने ये इससे कर लिया है, डायरेक्ट दो वायर निकाल के हमें सॉकेट में, दोनों सॉकेट में दे देना है इसमें। तो आपका ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम टेस्ट करेंगे, तो देख सकते हैं पूरा इन्वर्टर अभी बनकर तैयार है। बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, और इसको आप जो जब धूप निकलेगा तो डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाकर भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बैटरी के साथ इसको यूज़ करेंगे, तो ये जो लूम सोलर का बैटरी है तो इसके साथ हमें उसको लगा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक होल्डर है, तो देख सकते हैं होल्डर को मैंने लगा लिया है, और एक लोड लगाते हैं। तो लोड के लिए एक 15 वाट का मेरे पास एक सन किंग का LED बल्ब है, तो वो भी लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों तो यहाँ पर हम ऑन करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस में ये जलता है अपने फुल ब्राइटनेस में। और एक मैं लोड लगाता हूँ 9 वाट का, देख सकते हैं लोड लगाते ही इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं होता, अगर ड्रॉप होता तो आपको लाइट में फ़र्क नज़र आ जाता। देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा जल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये एफिशिएंट है, और आपका वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं करता, बैटरी भी काफ़ी बेहतर है इसमें। तो अब हमें एक आपका फिलामेंट वाला बल्ब लगा के दिखाता हूँ, ये तो ज़्यादा वाट का नहीं है, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर 100 वाट का बल्ब नहीं है, पर दोस्तों इसमें आप 100 वाट तक के बल्ब भी जला सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये 200 वाट का है। फैन चलाने के लिए दोस्तों इसमें आपको बड़ा ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं उसको धूप में डायरेक्ट भी चला कर आपको दिखाता हूँ। तो धूप में चलाने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल को हमें बैटरी की जगह पर लगा देना है। तो सोलर पैनल का पॉजिटिव को यहाँ पर हमें बोर्ड के पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में दे देना है। तो देख सकते हैं ये डायरेक्ट बिना बैटरी के भी काम करता है, तो इससे आप धूप जब निकला होता है उस वक्त आप डायरेक्ट बिना बिजली का यूज किए सोलर पैनल से ही आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल चार्ज, लाइट, और बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो फैन भी चल सकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतर ये बना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।